एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा के अध्यक्षता में गुलहरिया थाना क्षेत्र के सरहरी गांव में पुलिस चौपाल का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि जनपद के 45 गांवों में पुलिस चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारी थाना क्षेत्रों के अलग अलग गाँव में पहुंचकर जनता की समस्याओं का निस्तारण किए हैं तथा लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपराध नियंत्रण कानून व्यवस्था सहित चुनाव संबंधित जानकारी प्राप्त की गई है तथा पुलिस चौपाल में 45 से ज्यादा एप्लीकेशन प्राप्त हुआ है, जिसमें मौके पर 13 का निस्तारण किया गया तथा बाकी के संबंधित अधिकारी को निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया है तथा चुनाव को देखते हुए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है तथा किसी को कोई समस्या आती है तो तत्काल पुलिस को सूचना दें, उनके हर समस्या का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस चौपाल लगाने से जनता सीधा अधिकारियों से बात कर रही है तथा अपनी समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रख रही है तथा लोग पुलिस से किसी को समस्या हो तो पुलिस चौपाल में आकर बता सकते हैं तथा गांव में चौपाल लगाने से गांव की समस्या, आपराधिक तत्वों तथा किस तरह के अपराध गांव में ज़्यादा हो रहे हैं ये पूरी जानकारी मिल जा रही है तथा गांव में बूथों का भी निरीक्षण किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, टेबल के आगे भी जाने का मन है, टेबल के आगे वहाँ से लो ना ताकि पूरी रोशनी आए एकदम ये पूरा का पूरा असर की फोटोग्राफ लो आगे जाकर। हाँ आगे से ठीक है, ये हो गया, ये सभी ने एक साथ बता दिया ना, वो बात आ गया है अपनी जगह, और कोई दूसरे हो तो बताए उनका तो क्या फंसा हुआ है। पुलिस पुलिस के कोई मुकदमे की कोई है समस्या? हाँ देखा ना तुम मन का खेल हमारा पूछ गए आपने पटवारी दे दिया मेरा बुधवार के दिन पुलिस चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें कि हमारे अधिकारियों द्वारा 40 से ज़्यादा गांवों में चौपाल लगाई गई है और जनसुनवाई की गई है। उसको उसमें अपराध नियंत्रण कानून व्यवस्था और चुनाव संबंधित जानकारियां भी एकत्रित की गई और कार्रवाई की गई है। इसमें तकरीबन 15 से ज़्यादा एप्लीकेशन गाँव में मिली है जिनका कि निस्तारण करवाया जा रहा है और अभी ये चौपाल चल रही है। उम्मीद है शाम तक इसमें काफ़ी संख्या में 50 से ज़्यादा एप्लीकेशन आएंगे जिनका निस्तारण करवाया जाएगा और विशेष रूप से चुनाव के दृष्टिगत लोगों को संवेदनशील किया जा रहा है। यदि कहीं कोई किसी प्रकार की समस्या आती है तो उसमें लोगों को जागरूक करवाया जा रहा है कि तत्काल पुलिस को सूचना देवें, 112 पे सूचना दें, पुलिस अधिकारियों को सूचना दें, उनकी हर प्रकार की समस्या का निस्तारण करवाया जाएगा। जी चौपाल करने से गांव-गांव ये चौपाल लग रही है, इसमें फ़ायदा यह है कि सभी लोग अधिकारियों से मुखातिब होते हैं, उनकी छोटी बड़ी जो भी समस्याएँ होती हैं चाहे वो किसी गुंडा तत्व से हो या किसी पड़ोसी से हो या कोई और अन्य झगड़ा हो या किसी पुलिसकर्मी से भी उनको शिकायत हो तो खुलकर अपनी बात बता सकते हैं। साथ ही गांव में जाने से वहां गांव की भौगोलिक स्थिति क्या है, मुख्य विवाद क्या है, आसपास के क्षेत्रों में क्या तनाव चल रहा है, कौन सी आपराधिक घटनाएं घटित हो रही हैं और चुनाव को लेकर क्या तैयारियां गांव स्तर पर की गई हैं, ये सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं। मतदान केंद्रों का भी भ्रमण होता है और अधिकारी इसमें नियमतः जो भी आवश्यक कार्यवाही है वो भी करते हैं और अपने अधीनस्थों को निर्देशित करते हैं तो इससे काफ़ी सुधार होता है। सर अधिकतर मामले लगभग किस तरह के आएंगे? जी अधिकतर मामले इसमें आस पड़ोस के आते हैं जिसमें कि जमीन संबंधित मामले होते हैं, कुछ मामले पुलिस कार्रवाई से संबंधित होते हैं
जिसमें कि मौके पर कार्रवाई करवाई जाती है। कुछ छोटी मोटी शिकायतें होते हैं आपसी झगड़े की, उनको भी निस्तारण करवाया जाता है और इसमें जो जनता है उसके सहयोग से ये चौपाल आयोजित की जाती है सार्वजनिक स्थानों पर। तो इसमें जनता का प्रतिभाग भी बढ़ता है पुलिसिंग में और एक सामंजस्य बनता है पुलिस और जनता के बीच में।